नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गांव है मोहनपुर, और मोहनपुर गांव के अंदर हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे यदि आप डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हैं या आसपास के क्षेत्र के देख रहे हैं या बाहर से भी हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। 8 दिसंबर के दिन यहाँ पर एक मेले का भी आयोजन किया जाता है और काफ़ी भीड़ यहाँ पर पहुँचती है। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ और अंदर चलकर आपको दिखा देता हूँ यहाँ का पूरा नज़ारा। तो वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? भाई पवित्र कुमार। कहाँ से आए हो? हम हल्दौर से आए हैं। हल्दौर से आए हो? अच्छा, तो ये किस लिए, कैसा मेला लगता है? मतलब यहाँ पर जो है माँ भगवती का लगता है। अच्छा, मंदिर काफ़ी पुराना सिद्धपीठ है। अच्छा, तो यहाँ पर मनोकामना के लिए सभी जो हैं श्रद्धालु आते हैं। तो भीड़ काफ़ी पहुँच रही है? हाँ, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। अच्छा। और भंडारे का आयोजन भी किया गया है। अच्छा। सर, आप कहाँ से? हल्दौर से। आपका क्या नाम है? अवनीश कुमार। तो अभी भी ये भीड़ पहली बार ही आए हुआ आपके यहाँ? नहीं, हम आते रहते हैं, हर वर्ष आते हैं। तो ये यहाँ हर साल 8 तारीख को ही, 8 दिसंबर को? 8 दिसंबर को माता रानी है प्रकट हुई थी। अच्छा, इसी वजह से आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो देख सकते हैं आप, यहाँ बताया जाता है कि जो माता रानी है वो यहाँ प्रकट हुई थी, जिस वजह से यहाँ पर भीड़ पहुँचती है हर वर्ष। इधर दूसरी साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो मेला लगा हुआ है, काफ़ी दुकानें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी और काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है वो व्यवस्था है, काफ़ी भीड़ भी है। अभी मैं मेला थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ दुकानें आपको लगी हुई यहाँ दिखाई दे रही होंगी और खाने पीने की भी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ युवा हैं और युवा वो यहाँ पर आए हैं, अभी इनसे हम बात कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हो भाई? मोहनपुर के। इसी गांव के रहने वाले हैं? तो हर वर्ष 8 तारीख को ही लगता है? हाँ जी। इतनी भीड़ पहुँच रही? अब तक कमाई हर साल बहुत आती है, अब तो कमाई है। अब तो कमाई है। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था, कैसी है? मतलब सही है, बढ़िया व्यवस्था। बढ़िया व्यवस्था, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, इसी गांव के थे ये बंदे जो यहां पर घूम रहे हैं। अभी मैं आपको और अंदर चलकर दिखा देता हूं। दीपक। तो दीपक जी, कहाँ के आप? यहीं के रहने वाले? नहीं, धनौरा मंडी। धनौरा मंडी के। तो ये क्या हो रहा है यहाँ? ये माता का वो है, जन्म दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा जन्म दिवस है इस बार? सत्रहवा जी। तो क्या हुआ था, कुछ जानकारी है? यहाँ माता देवी का प्रकट हुई थी, यहाँ मतलब उनका मंदिर निकला था। कब की बात? 17 साल हो गए सर। 17 साल यानी कि 2005 में? आज ही, आज के दिन। अच्छा, तो उनका प्रकट उत्सव दिवस मनाया था। दिन में भंडारा होता है, रात को जागरण होगा। लाखों की संख्या में आदमी आता है, लाखों की संख्या में आदमी आता है यहाँ माता रानी का जागरण होता है हर वर्ष। तो आप सेवा करने आए हो यहाँ? जी, सेवा, हम सेवादार हैं, लगातार 15 साल से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, 15 साल से। ठीक है सर, थैंक यू। जी, मेरा नाम अंकित पंगाल है। तो आप कहाँ से आए जी? वैसे तो मैं आपको बताऊँ, मैं इस आयोजन के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा। मैं केवल आपके लिए आया हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ एंड काफ़ी दिनों से आपको रियलाइज़ कर रहा था एंड एनालाइज भी किया गया आपकी काफ़ी वीडियो को देखकर कि आप कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, कहाँ कहाँ पर जाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के लिए आपने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं जनता के लिए। अच्छा। वो सारी चीज़ें मैंने एनालाइज की है एंड मैं पास से गुजर रहा था तो मुझे पता लगा कि बिजनौर टीवी की टीम यहाँ पे आई हुई है, तो इसलिए मैं आपसे, आपको मिलने, आपको देखने के लिए, आपकी वीडियो और आपके जो आपकी टीम काम करती है उसको सराहने के लिए आपके पास आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी जी, बिल्कुल, ऐसे ही काम करते रहिए एंड जनता के मुद्दे उठाते रहिए एंड जिससे आप मतलब हमारे लिए यहाँ आए अपना टाइम निकालने के बाद। तो क्या सेवा कर सकते हैं हम आप? नहीं, सेवा कुछ नहीं, सेवा बस इतनी कर सकते हैं कि आप अपने जिले वासियों के लिए अच्छा काम करिए, उनके मुद्दे उठाइए, उनको कोई परेशानी है तो आपको भी लाइक अपने मुद्दे अपनी सरकार के सामने रखने चाहिए जिससे आपके जिले के लोगों का भला हो सके। जी जी, थैंक यू सर बहुत। जी जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, ये भाई जो है वो काफ़ी दूर से आए हैं यहाँ पर और हमसे मिलने के लिए यहाँ पर अचानक वो मिल गए हमको। अभी मैं और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ युवा और यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो भाई, चढ़ाई आए आप प्रसाद चढ़ाइए? जी। लाइन कितनी लंबी लग रही है अंदर? लाइन बताइए, लंबी है अभी तो काफ़ी, कम से कम 200-300 आदमी होंगे। 200-300 आदमी? जी।
अच्छा तो अंदर जा सकते हैं, जाने में कुछ दिक्कत होगी? जी जा सकते हैं। कोई सवाल आना मुझे जेब उब कट रही है? ना ना ना, बहुत बढ़िया व्यवस्था रहती है हर साल यहाँ, बहुत बढ़िया। कितनी दूर से आए हो आप यहाँ? मैं तो यहाँ आस पास का रहने वाला हूँ, पुलिस की भी बहुत बढ़िया प्रबंध रहता है, पुलिस प्रशासन भी, हाँ बहुत, लेडीज भी और जेंट्स भी। तो अंदर पहुँच सकते हैं? भीड़ तो ज्यादा रही है अंदर? भीड़ तो देखो बहुत, पर पहुँचने में कोई परेशानी नहीं, भंडारा भी चल लिया मस्त वाला। खाने पीने की व्यवस्था? तो अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको दिखा देते हैं कितनी भीड़ है वहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं काफी लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, अभी अंदर चलते हैं हम आपको और पूरा नज़ारा आपको वहीं से चल के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पर जो है वो लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। अभी मैं अंदर चलता हूँ और अंदर चलकर आपको दिखा देता हूँ भीड़ है भैया साइड में चल रहा है। अभी हम जा नहीं पाए क्योंकि भीड़ काफी है और बाहर की साइड से ही हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और अंदर चलते हैं अभी। अखलासपुर से बिलोंग कर रहे हैं? अच्छा, कहाँ से हैं ये? अखलासपुर से। अखलासपुर से? तो यहाँ पर भी लाइन आपको देख रही होंगी, मतलब दो लाइनें जो है शायद, कितनी लाइन है इधर अंदर जाने के लिए? यहाँ पांच लाइन है भाई, पांच लाइन है। और बाहर जाने के लिए? बाहर जाने के लिए उधर उधर एक ही हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी। अंदर जाने के लिए जहाँ प्रसाद चढ़ेगा वहाँ एक हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं भी आपको आगे लेकर ही चल रहा हूँ और पीछे से आप देखते हुए आ रहे हैं, मतलब काफ़ी लाइन है। और यहाँ जो है वो एक गेट और है यहाँ से सिंगल, और यहाँ से जो है वो सिंगल लाइन हो जाती है। मैं दूसरे गेट पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ से आपको काफ़ी भीड़ दे रही होगी और आराम से निकलिए। तो हम देखिए बिल्कुल जो स्थान है वहीं नज़दीक पहुंच चुके हैं और यहाँ आकर दो लाइन हो जाती हैं। तो अभी मैं इनसे बात कर लेता हूँ। सर मेन स्थान कौन सा है यहाँ? मेन स्थान तो उधर ही है जो अच्छा। माता जी का दरबार है। पहले प्रसाद कहाँ चढ़ेगा? पहले यहाँ नाग देवता का प्रसाद चढ़ता है, पहले यहाँ चढ़ेगा नाग देवता। अच्छा, फिर इसके बाद? इसके बाद मेन वाला मंदिर में जाएंगे जी, मेन वाला मंदिर। अच्छा, उसके लिए कहाँ से? यहाँ से रास्ता है तो सबसे पहले यहाँ चढ़ता है प्रसाद और इसके बाद फिर आगे चले जाते हैं। लाइन होगी इसी लाइन से आगे पहुँच जाएंगे, इसी लाइन से होते हुए अंदर मंदिर में एंट्री हो जाएगी। आपको मैं पीछे दिखा चुका हूँ जो नाग देवता वाला मंदिर है, पहले वहाँ चढ़ता है प्रसाद और फिर उसी से ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ से ये लाइन जो है वो इस मंदिर में आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइन जो है वो काफ़ी यहाँ पर भीड़ लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो मंदिर है वहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है, जो मेन स्थान है, और वहीं पर हम पहुँच चुके हैं। चलो चलो भाई, चलो आगे बढ़ो, चलो। तो देख सकते हैं आप जो मेन स्थान है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर वैसे काफ़ी भीड़ है और जिसलिए हम ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकेंगे और कुछ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी, जो माता जी हैं उनकी तस्वीरें आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पर भीड़ जो है वो काफ़ी है और अभी हम बाहर यहाँ से निकलते हैं और बाहर निकल कर आपको दिखा देते हैं। अंदर से जो है वो बाहर आ चुका हूँ और ये लाइन जो है वहीं पर पहुँच रही हैं जो लाइन लगी हुई हैं। तो अभी और कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ प्रसाद चढ़ना, जैसे यहाँ चढ़ा दिया आप जहाँ जो मेन बताया आपने है, इसके बाद फिर और कहीं चढ़ता प्रसाद चढ़ेगा यहाँ? ये कौन इधर क्या है? ये शिव जी का मंदिर है मतलब नारियल? अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ और बताओ मुझे, यहाँ एक नल था जिसका पानी लग जाते थे? ये नल है, यही पानी है, यही गर्म पानी आता है। कौन सा नल? नल उधर है, नल उधर है, वो वाला, वो वाला। अच्छा अच्छा, वो नल उधर है, आज देवी निकली थी जब उसी टाइम का नल है। तो पानी आज भी लेके जाते हैं लोग? आज पानी आज भी लोग लेके जाते हैं, पानी खराब नहीं होता कभी भी। नल दिखाओ एक बार मुझे, जरा देख लो। तो अभी हम नल देखते हैं जो यहाँ पर नल है, उस समय उसका पानी जो था वो काफ़ी भक्त यहाँ से लेकर गए थे और देखते हैं आज भी। वैसे तो काफ़ी जो हैं लोग वो यहाँ से जल ले रहे हैं नल का। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर चलकर। तो ये नल था वो है? हाँ जी, ये नल था। इसका पानी आज भी लेकर जाते हैं? हाँ जी, पानी यहाँ से आज भी लेकर जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ये पानी लेने के लिए शायद इतनी भीड़ यहाँ लगी हुई है। हाँ जी,
तो दोस्तों दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा चुका हूं जहां पर लाइन लगी हुई है, प्रसाद चल रहा है और इधर उधर चेयर वगैरह जो है वो पड़ी हुई है और पुलिस प्रशासन भी आपको यहां पर देख जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि बिजनौर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी कोई नया अपडेट लेकर और किसी नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।